तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मेरठ से बड़ी खबर, 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बदन सिंह बद्दो की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। डीएम ने आलीशान बंगले के जमीन और मलबे को कुर्क करने का आदेश दे दिया है। तो बदन सिंह बद्दो की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगेगा। करीब 2 साल से बदन सिंह बद्दो फरार। टीबी नगर क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, बदन सिंह बद्दो की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाया जाएगा। तो बदन सिंह बद्दो की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश यहां पर दिए गए। बड़ी खबर, टीपी नगर क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो डीएम ने आलीशान बंगले की जमीन और मलबा कुर्क करने का आदेश दे दिया है। बदन सिंह बद्दो की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाया जाएगा। तो करीब 2 साल से बदन सिंह बद्दो फरार है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, टीपी नगर क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से बड़ी खबर, 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो पर बड़ी कार्रवाई हो। बदन सिंह बद्दो की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने आलीशान बंगले की जमीन और मलबे को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। बदन सिंह बद्दो की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाया जाएगा। करीब 2 साल से बदन सिंह बद्दो फरार चल रहा है। तो टीपी नगर क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से बड़ी खबर, 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदन सिंह बद्दो की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो। डीएम ने आलीशान बंगले की जमीन और मलबा कुर्क करने का आदेश दे दिया है। बदन सिंह बद्दो की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाया जाएगा। करीब 2 साल से बदन सिंह बद्दो फरार चल रहा है। टीपी नगर क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सादिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? बदन सिंह बद्दो की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए। जी साहिब, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी कार्रवाई एक और बदन सिंह बद्दो पर अब की गई है। पहले बदन सिंह बद्दो के आलिशान बंगले को एमडीए प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब बदन सिंह बद्दो की 1.25 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। डीएम ने आलिशान बंगले की जमीन और मलबा कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। जल्द ही बद्दो की जमीन पर एक सरकारी बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें इस पूरे बातचीत का विवरण होगा, जो आते जाते लोगों को पता चले कि ये संपत्ति अब कुर्क की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।